भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीक्षा भूमि को भेंट दी। आज पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। नागपुर शहर में दीक्षा भूमि पर सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। उसी श्रृंखला में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीक्षा भूमि को भेंट दी। खड़गे ने दीक्षा भूमि स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मंत्री बाला साहिब थोरात, मानिकराव ठाकरे सहित अन्य नेतागण उपस्थित थे। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर दीक्षा भूमि में जो उनका अपने अस्थि है उसको दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं पार्लियामेंट के सामने सुबह ही बाबा साहब अंबेडकर का जयंती मनवाने के बाद सीधा मैं फ्लाइट से यहाँ पर आया हूँ। और ये जो बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि है और बाबा साहब अंबेडकर सारे देश को उन्होंने जो ये भारत संविधान दिया है इसके तहत ही सभी लोग चलना, यही हमारी उम्मीद है। और बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं उसको बचाना और लोकतंत्र के अनुसार चलने वाला संविधान है और प्रजाप्रभुत्व को, लोकतंत्र को आपको बचाना है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये हम बचाएंगे तो हजारों सालों तक उनका नाम रहेगा और खास करके हमारे सामान्य जनता को, इस देश के नागरिकों को और गरीब लोगों को इससे सामाजिक न्याय मिलेगा और राजकीय पॉलिटिकल हमको न्याय मिलेगा और आर्थिक न्याय मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी संविधान है, उन्होंने हमको दिया है, इसको बचा के रखने के लिए लड़ते रहेंगे और इसको बचा के रखेंगे। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।